शासन सरकार भले ही कुष्ठ रोगियों के लिए लाखों खर्च कर रही है, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा। आज भी चापा में निवास करने वाले कुष्ठ रोगी शासन से मिलने वाली सुविधाओं को पाने के लिए जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी असुविधा उन्हें सरकारी राशन लेने में हो रही है। राज्य शासन द्वारा आधार अपडेट कराया जा रहा है। बिना आधार अपडेट किए पीडीएस दुकानों से चावल नहीं दिए जाने से अब इनके माथे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। चांपा के घोघरा नाला के 3 वार्डों में कुष्ठ रोगी रहते हैं, जिनके हाथ पैर कुष्ठ रोग के कारण खराब हो चुके हैं। ऐसे में इन रोगियों का आधार कार्ड ही नहीं बन पा रहा है और इन्हें अब सरकारी राशन पाने से भी वंचित होना पड़ रहा है। तेहर नाने नहीं सकत हर तो बाहर जाते चौर ला यहाँ हमारे घोघरा नाला में देवाई है। डोकरी ढाकरी है, जेल एपरेसी है, वाला दवा माटी नहीं मिलते तो दवा माटी के व्यवस्था करेगा। भाई बाबू, हम राशन पाने की समस्या है, हम पूरिया जा नहीं सकता। कौन सम पुलिस कर पता है यहाँ तो कौन लान दी राशन पानी ला, मतलब यही दवा राशन पानी ला हमारे घोघरा नाला में। अमन को किस कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले समस्या है कि यहाँ जो लेप्रोसी हैं, जो भाई बहन, जो माता पिता हैं, उनको गौज, बैंडेज, मेडिकल का कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है। दूसरा समस्या है, अगर इन लोग का पेंशन पहले यही प्रोवाइड होता था, वो अब हर बैंक में दे दिया गया है, लेकिन अगर वो चाहते तो यहाँ दे सकते थे। इससे कई लोगों का मतलब अपने प्राण को छोड़ चुके हैं, चाहे वो ट्रेन के कट जाने से या ट्रक के सामने आ जाने से कई लोग मृत्यु को पा लिए हैं। और मैं निवेदन करती हूँ, जो भी प्रशासन है वो देख के जाती है और अनदेखा करती है। अभी है राशन का है, जो राशन यहाँ मिलता था उसको यहाँ से किसी को मतलब बिना बताए हुए वो वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। ना यहाँ के पार्षद महोदय को है, ना यहाँ के ग्रामवासियों को सूचित किया गया है। अब स्वयं वहाँ पे 15 दिन हो गया वहाँ संचालित है और यहाँ के लोगों को असुविधा प्राप्त हो रही है।